सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि मार्केट होता क्या देखो एक चीज क्लियर कर दूं मेरी आवाज हो सकती है कि तुम्हें थोड़ी दबी दबी बैठी बैठी लगी क्योंकि तो यार खांसी की वजह से मेरा गला बैठ चुका है आज थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ कल तो बहुत ही गलत था आवाज मेरा मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा था सो so, यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की तो मार्केट है क्या सर मार्केट एक प्लेस है या फिर हम कह सकते हैं मार्केट एक रीजन है जहां पे सेलर्स और बायर्स मिलते हैं इंटरेक्ट करते हैं साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेस एक्सचेंज करते हैं एक्सचेंज वर्ड में यहाँ पे यूज नहीं करूंगा गुड्स एंड सर्विसेस सेलर सेल करते हैं बायर को और बायर उसके बदले उन्हें मनी देता है ये टिपिकल। सो मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स सेलर्स एंड बायर्स आर इंटरेक्टेड विद द गुड्स एंड सर्विसेस बाय सेलिंग एंड परचेजिंग एट अ गिवन प्राइस ठीक है ये सेम क्या बोलेंगे प्रोसेस है

Monopoly, ये तीन हो गए अब इम के अंदर वेरियस क्लासिफिकेशन है जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑलिगोपॉली और डुओपॉली सर ये हमें पढ़ने हैं ठीक है थीके? तो स्टार्ट करेंगे बेसिक वन से जो कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसे हम आइडियल या फिर मिथ मार्केट के नाम से भी जानते हैं इंपॉर्टेंट नेम से याद करिएगा इसे द परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे डीलिंग विद द आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट अ सेम प्राइस सर आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब फटाफट बताना स्टार्ट कीजिए आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते क्या है तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर लार्ज नंबर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होंगे जो इकट्ठे होंगे होमोजेनस मतलब कुछ मिलता जुलता प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे एट अ सेम प्राइस ठीक है सिंपली तुम ले सकते हो कि मान लो ठीक है फीचर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होंगे होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे होंगे मतलब जो कि सेम नेचर के होंगे यूनिफॉर्म प्राइस होगी प्री एंट्री एंड एग्जिट यहां पे देखा जाएगा यूनिफॉर्म प्राइस से मतलब है कि यहां पे प्राइसेस जो चार्ज किए जा रहे होंगे वो सेम होंगे प्री एंट्री मतलब यहाँ पे नो no रेस्ट्रिक्शन होगा सर नो no रेस्ट्रिक्शन यहां पे देखो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये चार फीचर्स हैं अगर इन चारों को तुम कंपाइल कर दो तो बनता है प्योर मार्केट तो प्योर मार्केट तुमसे पूछा जा सकता है तो ये सारे फीचर्स होते हैं प्योर मार्केट के आगे अगर मैं बात करूं तो और भी फीचर्स दे रखे हैं यहां पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है एक कस्टमर को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है उसके पास मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन पर्टिकुलरली बात करूं अगर मैं लेबर की तो लेबर के पास वो फ्रीडम होती है कि वो एक इंडस्ट्री या एक फॉर्म को छोड़कर दूसरे फॉर्म में जा सके उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि यार तुम मेरे ही फॉर्म में काम करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इंफीनाइट होता है इंपॉर्टेंट है सर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे प्राइस मेकर जो है वो इंडस्ट्री है और प्राइस टेकर कौन है सर फॉर्म है प्राइस सेट करेगी इंडस्ट्री फॉलो कौन करेंगे सर फॉर्म फॉलो करेंगे यहाँ पे कोई भी एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू होता है बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा infinite. तो ये सारे फीचर्स से यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कंडीशंस फॉर इक्लिब्रियम इन द शॉर्ट रन वो कौन कौन से कंडीशन है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द इलिब्रियम इन शॉर्ट ड्यूरेशन तो पहला कंडीशन है सर मार्जिनल रिवेन्यू जो होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा आर शुड बी इक्वल्स टू दी पहला कंडीशन क्या होगा मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट. कॉस्ट दूसरा कंडीशन है है, कि जो है, वो MR को नीचे से कट कर रहा होगा कट फ्रॉम बिलो जैसे ही वो उसे कट करेगा उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट राइज होना चाहिए ध्यान से सुनना दूसरा कंडीशन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को नीचे से कट करेगा जैसे ही कट करता है उसके बाद वो कर्व ऊपर की तरफ राइज करेगा ये दूसरा कंडीशन तब जाकर आप कह सकते हो एक फॉर्म शॉर्ट रन में अपने पे पे क्लियर है समझते हैं ग्राफ के पे ग्राफ के थ्रू इस में देखो पहला कंडीशन क्या बोला एम आर जो है वो एमसी के इक्वल होना चाहिए तो सर देखिए यहाँ पे एस एम सी जो है एस एम सी डिनोट करता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को ठीक है और ये रहा हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ये रहा हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कब पहला कंडीशन क्या बोला है कि एम जो है वो एमसी के इक्वल होना चाहिए तो तुम इस ग्राफ में ध्यान से देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां ये जो ग्राफ है देखना ये जो ग्राफ है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं मतलब ये वही है मैं तुम्हें हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ यहां पे इस पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे हमारा जो एम है इक्वल है एम के है ना बिल्कुल सर इक्वल है पहला कंडीशन तो यहाँ फुलफिल होता है दूसरा कंडीशन कहता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एम को नीचे से कट करे तो देखिएगा ध्यान से ये रेड वाला कर्व जो हमारा ये कौन सा है कर्व मार्जिनल कॉस्ट है और ये प्लेन जो लाइन है पैरल टू द एक्स एक्सेस जो है ये कौन सा है सर हमारा एम कर्व है तो क्या सर मार्जिनल कॉस्ट एम को नीचे से कट कर रहा है नहीं सर नीचे से तो नहीं कट कर रहा है बल्कि ऊपर से कट कर रहा है तो यहां पे तो सर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ आगे बढ़ते हैं MC यहाँ पे हो गया। दूसरा था कि जो एम सी है वो एम आर को नीचे से कट करे तो ये चीज देखो यहां नीचे से कट कर रहा है नीचे से कट कर रहा है ना और उसके बाद एमसी राइज हो रहा है एमसी ऊपर की तरफ राइज हो रहा है तो ये कुछ यहां पे तुम्हें समझना होगा ठीक है ये दो कंडीशन कैसे होते हैं प्रैक्टिकली तुम्हें वहां पे ग्राफ बनाने को तो नहीं बोलेगा लेकिन ये दो कंडीशन तुमसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो इस चीज़ को क्लियर रखना दो कंडीशन होते हैं कौन कौन से सर एम आर इज इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए और एम सी जो है वो एम आर को कट करेगा फ्रॉम बिलो और साथ ही साथ कट करने के बाद वो राइज कर क्लियर है अब देखो यहां अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम्हें समझना होगा समझना अब क्या बल्कि तुम्हें याद रखना होगा शॉर्ट रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है या तो नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉसेस भी इनकर कर सकती है ठीक है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सर क्या होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर हो तुम एक्सेस अर्न कर रहे हो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो तुम उसे नाम दोगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है बात करूं सर नॉर्मल प्रॉफिट की तो जहां पे आपका एवरेज रिवेन्यू इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट के है ना देख लो यहाँ पे नॉर्मल हो रही है और सर जहां लॉस इन करो इसका मतलब ये है जो आपको रिवेन्यू आ रही है वो आपके कॉस्ट से कम आ रही है आपकी रिवेन्यू जो है वो बहुत ही कम आ रही है बल्कि कॉस्ट आपका ज्यादा है तो इस सिचुएशन में आपको लॉस हो रहा है तो इस ग्राफ को एक बार देख लेना और वही बात करूं लॉन्ग रन इक्लिब्रियम के बारे में एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट उस सिचुएशन में वो एक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करता है या फिर तुम बोल सकते हो कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है सर यहां पे जो प्राइस रहेगा वो इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट के और एवरेज कॉस्ट के ठीक है नेक्स्ट टाइप यहां पे यहां निकल कर आता है मार्केट का जो कि है ऑलिगो पॉली उसके उसके बारे में हम समझते हैं अ मार्केट विथ फ्यू सेलर्स एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत कम ही फ्यू सेलर्स ही होंगे जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे होंगे सेम और डिफरेंशिएटेड सेम भी और डिफरेंशिएटेड भी जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गए ऑटोमोबल्स हो गए अब यहाँ पे सर फीचर्स की बात करूं तो कट थ्रोट कम्पिटिशन होता है उन फ्यू फॉर्म्स के बीच में सर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का मतलब बताओ सर कि बहुत ही बड़े लेवल पे कंपटीशन यहाँ पे हो रहा होता है दोनों एक दूसरे को बीट करने के लिए हर एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं प्राइस वॉर छिरा हुआ होता है दोनों फॉर्म्स के बीच में फ्यू फॉर्म्स के बीच में कार्टल का फॉर्मेशन सर हो रहा होता है सर कार्टल क्या है सर बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्टल जितना डिटेल निकाल सकते हैं निकाल लीजिए इसके बारे में यहाँ पे इंटर डिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं और एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है सर मतलब कोई भी फॉर्म उठ के इसके अंदर नहीं आ सकता है और यहां पे एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है इसका मतलब ये दोनों ही कॉस्ट इस मार्केट में अवेलेबल होती है अब वेरियस टाइप्स दे रखे हैं ऑलिगोपोली की जो की है सबसे पहला प्योर ओलिगोपोली जिसे हम परफेक्ट ऑलिगोपोली के नाम से भी जानते हैं यहां पे जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे होंगे वो होमोजेनस होंगे डिफरेंशिएटेड और इम की बात करो तो वहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे ओपन ऑलिगोपोली में नए फॉर्म्स एंटर कर सकते हैं क्लोज ऑलिगोपॉली में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है मतलब कोई भी नए फॉर्म्स नहीं आ सकते हैं कॉलेज में यहां पे क्या देखा गया प्राइस और आउटपुट को लेकर जो भी फॉर्म्स होती हैं वो कॉपरेट कर रही होती हैं एक दूसरे से लेकिन वही बात करूं कॉम्पिटेटिव ऑलिगोपॉली की तो वहां पे कंपटीशन होता है एक दूसरे से इसके बाद है यहाँ पे पार्शियल ऑलिगोपॉली इसका यहाँ पे ये मतलब है जो भी फॉर्म्स होती हैं वो डोमिनेट की जाती हैं बाय द लार्ज फॉर्म पुल ऑलिकोपॉली में कोई भी प्राइस लीडरशिप नहीं होता है याद रखिएगा सिंडिकेटेड ऑलिकॉमपोली में सर क्या होता है यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे होते हैं एक सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट होता है हेड होता है उसके हिसाब से और आखिरी है ऑर्गेनाइज्ड ऑलिकोपॉली इसमें जो भी फॉर्म्स होती हैं वो खुद को ऑर्गेनाइज करती हैं किसके अकॉर्डिंग प्राइसेस के अकॉर्डिंग आउटपुट्स के अकॉर्डिंग इन दो चीज के अकॉर्डिंग खुद को वो मार्केट में ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं एक इंपॉर्टेंट कंसे यहाँ पे निकल कर आता है किंग डिमांड कर्व जो कि हिस्सा है ऑलिगोपोली का किन द्वारा दिया गया था प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी के द्वारा दिया गया था इसमें क्या बताया गया है एन ऑलिगोपोली फॉर्म में फेस अ फेसल डिमांड कर्व ठीक है नॉर्मली तो एक ही कर्व बनता है लेकिन एक सिचुएशन हो सकता है ऐसा जहां पे एक ऑलिगोपॉलीफॉर्म को दो डिमांड कर्व देखने को मिल सकते हैं अब वो किस पे सर बेस्ड होगा जैसे कि लाइक द रिएक्शन ऑफ अदर फॉर्म्स टू चेंज इन इट्स प्राइस इससे हम समझ आता है प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट मतलब एक फॉर्म अगर प्राइस चेंज करती है तो उस पर दूसरे फॉर्म का क्या रिएक्शन होता है वो अपने प्राइस को कैसे एडजस्ट कर रही होती है यार उसके बारे में जनरली पे हम पढ़ते हैं इसके कुछ एजम्पन दे रखे हैं क्या आपको एज्यूम करना है इफ वन ऑलिगोपोलिटिक ऑर्गेनाइज रिड्यूस द प्राइस देन द अदर ऑर्गेनाइजेशन वुड वु कट देयर प्राइस ठीक है दूसरा सिचुएशन क्या आपको करके चलना है If one oligopolistic organization increases the price, then other द would not follow the increase in price. और तीसरा एजाम लेकर चलना है कि वहां पे मार्केट में कोई ना कोई एक प्रिवेलिंग प्राइस तो चल ही रहा होगा जाहिर सी बात है सर चलेगी प्रिवेलिंग प्राइस तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा किंग डिमांड कर्व दो डिमांड कर्व होते हैं एक डिमांड कर्व इलास्टिक होता है और दूसरा डिमांड कब इन इलास्टिक होता है तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा पूछा जा सकता है आपसे देख लो ऐसा प्राइस इंक्रीज अनमैच्ड प्रेजेंट प्राइस यहां पे आया है और ये प्राइस कट मैच्ड सो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की जो कि है मोनोपोली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें में मोनोपोली से रिलेटेड लिख लेता हूं फिर उसके बाद आपको समझा दूंगा अभी तो आप हम बात करते हैं मोनोपोली के बारे में तो मोनोपोली का मतलब अगर मैं बताऊं अगर सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो मींस सिंगल सेलर जहां पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सिंगल सेलर हो उसे तुम कंसीडर कर सकते हो कि वो मोनोपोली का सिचुएशन है जैसे कि रेलवेज हो गए भले ही अब डाइल्यूशन रेलवेज में दिखने को मिल रहे हैं लेकिन एक बेस्ट एग्जाम्पल है सूटेबल हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग हमारा डिफेंस सेक्टर यहाँ पे मोनोपोली है भारत सरकार का तुमने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे स्टेशन पे वहाँ पे जो भी आउटलेट्स लगे हुए होते हैं वो आई के आईआरसीटीसी के होते हैं ठीक है टिकट बुकिंग सर्विस में भी पूरा रोल आईआरसीटीसी का है तो हम कह सकते हैं आईआरसीटीसी का मोनोपोली है फिर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है पूरे कंट्री में वो रेल गवर्नमेंट करवाती है तो यहाँ पे मोनोपोली का मतलब है मीन अलोन टू सेल यहां पे किसी प्रोडक्ट के सिंगल सेलर हो तुम कंसिडर कर सकते हो कि वो मोनोपोली का सिचुएशन है इसका मतलब ये है कि सर उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा बिल्कुल उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए कोई अलग से इंडस्ट्री आती है नहीं सर भारत सरकार ही सप्लाई करती है डिफेंस से रिलेटेड कोई अलग सी आर्मी है हमारे कंट्री में नहीं है तो यहाँ पे इंट्री में बैरियर्स होती है कोई भी फॉर्म इसमें आसानी से घुस नहीं सकती है बल्कि रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह से रोका गया हुआ था इसमें आप इजिली इसमें एंटर नहीं कर सकते हो यहाँ पे जो प्राइस मेकर कौन होती है सर हमारी मोनोपोली फॉर्म वो जो चाहे प्राइसेस चार्ज कर सकती है इसका ये मतलब है कि सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है बिल्कुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब है कि अगर मान लो उसे तुमसे तुम्हारे जैसे कस्टमर से मान लो चार्ज करना है सौ रुपये तो सौ करेगी और मेरे से चार्ज करना है दो सौ तो मेरे से दो सौ भी चार्ज कर सकती है वो उस पर डिपेंड करता है और यहाँ पे जो डिमांड का होता है वो कैसा होता है सर इन इलास्टिक होता है तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि जो मोनोपोली मोनोपोलीफ होती है वो शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में या फिर नॉर्मल सिचुएशन में क्या वो प्रॉफिट इनकर करती है क्या वो लॉस इनकर करती है या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इनकर करती है तुम्हें इसका आंसर बताना है ठीक है या फिर तीनों ही उसके सिचुएशन में आते हैं या तीनों वो अर्न करती है तो फटाफट इसका आंसर बताना स्टार्ट करो कमेंट सेक्शन में और लाइव चार्ट में और एक होमवर्क तुम्हारे लिए इसके अंदर होने वाला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में अच्छे से नोट्स बना के थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स जो होता है उसे एक बार रीड आउट कर लेना जैसे मैंने यहां तुम्हें मोनोपोली के बारे में बताया वैसे ही तुम्हें मोनोपोलिस्टिक के बारे में छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख के खुद को क्लियर कर लेने है। तो यार फॉर्म्स ऑफ मार्केट यहीं खत्म हुआ मतलब इकोनॉमिक्स का कह सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो था वो यहीं खत्म हुआ कुछ खास तो इसमें है नहीं और माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं कुछ ही वीडियोज़ तुम्हें दूंगा छोटे छोटे वीडियोस फार्मूलाज से रिलेटेड हो गए या फिर कह सकते हो बजट से रिलेटेड हो गए तो वो छोटे छोटे वीडियोज़ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा सर एंड करेंगे आज के इस वीडियो को मिलेंगे नेक्स्ट डे तब तक के लिए बाय बाय